हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो लास्ट रीजनिंग के सेशन में हमने जो अल्फाबेट रीजनिंग वाले जो ट्रिक्स थी वो फैक्ट थी, हमने उनको किया था एक छोटे लेक्चर में। आज हम उन ट्रिक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे इन अल्फाबेटिकल सीरीज और क्वेश्चन जो कि SSC वगैरह में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड। तो सबसे इजी क्वेश्चन, हम इजी टू मॉडरेट टू हाई पढ़ेंगे, तो हम पहले कुछ इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन और UPBED 2018 में पूछा गया है और क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि इन द इंग्लिश अल्फाबेट फाइंड द पोजिशन ऑफ एस फ्रॉम राइट। ऑप्शन देकर रखा है 8, B, 5 C, 4 और D, 9। ठीक है, अब देखो हमने अल्फाबेट सीरीज पढ़ी, इजोटी पढ़ा, फ्लक्स पढ़ा, A to M, N to Z, M to A और Z to N, ये सब चीजें पढ़ा। अब ये लेफ्ट राइट वाली चीज कहां से आ गई? तो मैंने आपको एक बेसिक रूल बताया था उस टाइम पे जब हम लोग रैंकिंग टेस्ट पढ़ रहे थे कि हम अपने आप को लेफ्ट में कंसीडर करके चीजों को करते हैं। तो जब हम अपने आप को खुद को लेफ्ट में कंसीडर करते हैं तो हमारा जो लेफ्ट होता है वो लेफ्ट होता है और जो हमारा राइट होता है वो सीरीज का राइट होता है। तो इसी पोजीशन में जब हम A to Z लिखते हैं ना, ठीक है, तो हम इसी परिप्रेक्ष्य में नॉर्थ की तरफ मूव करके, तो जो हमारा लेफ्ट होगा हमारे लेफ्ट में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और हमारे राइट में क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो यही होती है लेफ्ट राइट वाली सिचुएशन। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं इनको। सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था पिछले लेक्चर में कि जब भी आप अल्फाबेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए आप सबसे पहले रफ कॉपी पे क्या करेंगे, A to Z अल्फाबेट लिख लेंगे। तो देखो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ S फ्रॉम राइट। तो लेफ्ट क्या है, ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो हमें किधर से पोजीशन फाइंड करनी है, इधर से फाइंड करनी है, राइट से फाइंड करनी है पोजीशन। ठीक है, तो गिन लो सिंपल से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आंसर हमारा क्या होगा, 8। इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है UPBED 2012। ठीक है, सिर्फ हमें लेफ्ट और राइट समझना है। तो लेफ्ट और राइट हमने समझ लिया कि जब हम खुद का मुंह नॉर्थ की तरफ करके कंसीडर करते हैं ना, तो जो हमारा जो लेफ्ट होता है वो एक्चुअल लेफ्ट होता है और जो हमारा राइट होता है वो एक्चुअल राइट होता है। तो हम जब नंबर या कोई सीरीज लिखते हैं ना, तो हम मान के चलते हैं कि हम जिधर से गिर रहे हैं हमारा मुंह नॉर्थ की तरफ है। तो जो नंबर हमारे लेफ्ट हैंड की साइड होगा, जो अल्फाबेट हमारे लेफ्ट हैंड की साइड होगा, वो होगा लेफ्ट अल्फाबेट, लेफ्ट लेटर, लेफ्ट नंबर। और जो अल्फाबेट हमारे राइट साइड होगा या जो नंबर हमारे राइट साइड होगा वो होगा राइट नंबर या पोजिशन राइट। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ, लेफ्ट राइट का खेल है, बाकी गिनना है। ठीक है, चलो हम नया क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, कितने इजी क्वेश्चन है। हाँ,
यूपी बीएड का लग रहा है फेवरेट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, इन द इंग्लिश अल्फाबेट फाइंड द पोजीशन ऑफ एल फ्रॉम लेफ्ट। अब आप लेफ्ट राइट का गेम समझ गए होंगे कि लेफ्ट राइट का गेम क्या था। पहले क्वेश्चन में आपके लिए थोड़ा अनयूजुअल लगा होगा। अब लेफ्ट राइट, लेफ्ट मतलब सिंपल सी बात, रख लो इस चीज को, लेफ्ट मतलब ए, ए से जेड की तरफ हम जाएंगे लेफ्ट, और जेड से ए की तरफ आएंगे राइट। तो ए है हमारा फार लेफ्ट और जेड है हमारा फार राइट। तो पूछ रहा है कि भाई एल की पोजीशन लेफ्ट से ज्ञात करनी है, और देके रखे हैं उन्होंने ऑप्शन 12, 16, 11, 15। लेफ्ट से निकालने में मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम इजॉर्टी ट्रिक लगा देते हैं, हम नहीं लिख रहे जाओ सारे वर्ड इजॉर्टी। 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। तो कहां आएगा जे, एल जे के बाद आएगा और उससे पहले आएगा, तो ये देखो जे के एल, तो जब जे हमारा 10 है के कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 12 एल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, पोजीशन होगी हमारी 12 यूपी बीएड 2009। क्वेश्चन पूछा गया कितना सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। जब आप देखो इस संरक्ष से आप ये देखो फिल रक्स, संरक्ष आपने लगाया, संरक्ष फॉर्मूला क्या है 6, 12, 18, 24। एल की पूछ रहे पूछनी है, संरक्ष में एग्जिस्ट कर रहा है 12 है पोजिशन, ठीक है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब सीक्वेंस सीधा आ जाए ना तो आप इजॉरिटी और संरक्ष को फॉलो करो, ट्रिक्स को फॉलो करो, किसी उसकी जरूरत ही है ही नहीं आपको। चलो अब देखो क्वेश्चन भाई, बस लैंग्वेज बदल दी, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन उसी तरह का है, बस लैंग्वेज बदली है। देखो विच लेटर इज सेविंग फ्रॉम राइट, इन द इंग्लिश अल्फा बेट। सीधे सीधे पूछ लिया, बस खेल क्या है, यहां खेल खेलता है ये लेफ्ट राइट का, और जो इस चीज को नहीं समझ पाया वो क्वेश्चन को भी कर ही नहीं पाएगा लेफ्ट राइट का। और अब इससे इजी तरीका मैं क्या ही बताऊं कि यार ए लेफ्ट है जेड राइट है, जेड से ए की तरफ बढ़ोगे मतलब राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, ए टू जेड जाओगे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो इससे सिंपल तरीका मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है बताने का समझाने का। तो कह रहा है विच लेटर इज सेविंग फ्रॉम राइट, यानी कि जेड से पूछ रहा है ये, तो ए टू जेड। तो जब जब सीरीज उल्टा पूछने लगता है ना राइट से, तो हमारी जो एजोटी है संरक्षण है ये थोड़े काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो लिखो यहां पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, सेविंग फ्रॉम राइट, यानी कि इधर से सातवां कौन सा है, गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, T इज द सेवेंथ फ्रॉम राइट, T इज द
सेव इट फ्रॉम राइट। और ये पूछा गया हरियाणा टेट में, हरियाणा टेट देख रहा हूं हर राज्य में पूछा जा रहा है, बीएड में अभी यूपी के बीएड में पूछ रहा था क्वेश्चन, अभी हरियाणा के टेट में ही पूछ रहा है, अभी देखो एसएससी में भी आने वाले हैं यहां से क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Find the letter which is 16 from right in the English alphabet. ठीक है? Find the letter which is 16 from right. In the English alphabet, in the English alphabet, ठीक है। फिर हरियाणा टेट में पूछा गया है एच टेट 2018, ऑप्शन देके रखे हैं के एल जी एफ, सिक्सटींथ फ्रॉम राइट, जैसे राइट आए ना हमारी काउंटिंग जेड से शुरू हो जानी चाहिए, ठीक है? तो लिख लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है? जैसे राइट से शुरू होता है हमारी काउंटिंग शुरू हो जानी चाहिए जेड से, गिनो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह क्या आया के, ऑप्शन ए द राइट आंसर, ठीक है? तो कितने इजी क्वेश्चन है, बस लेफ्ट राइट का सेल है, मेजॉरिटी ऑफ सम राइट का यूज करो, सीरीज ब्रेक याद रखो और क्वेश्चन में कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधे काउंटिंग करनी है। राइट बोला तो जेड से काउंट करोगे, जेड से ए की तरफ काउंट करोगे, लेफ्ट बोला है तो ए से लेकर जेड तक काउंट करोगे, ठीक है? तो कितना इजी क्वेश्चन है। चलो अब पूछ रहे हैं भाई एसएससी सीजीएल में, फाइंड द लेटर एसएससी सीजीएल 2009 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एसएससी सीजीएल 2009 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड द लेटर लेटर दैट कम्स फिफ्थ टू द लेफ्ट, फिफ्थ टू द लेफ्ट, लेफ्ट ऑफ आर, इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इन द इंग्लिश अल्फाबेट। देखो सेंट्रल लेवल के एग्जाम में, सेंट्रल लेवल के एग्जाम में बहुत सीधी सीधी चीजें तो आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हो, तो उसने अपने अकॉर्डिंग एज पर सेंट्रल स्टैंडर्ड चीजों को घुमाया है। फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो सबसे पहला काम
इस तरह अल्फाबेट का कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम है हमको ए टू जेड लिख लेना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्या है? फिफ्थ टू टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर कहा है ये, और आर का लेफ्ट किधर होगा? ए की तरफ होगा। ये रुक, एक दो तीन चार पांच एम, एम विल बी द आंसर। अब उसने जेड जेड का ए से नहीं पूछा, उसने आर ले दिया और आर ने कहा कि जो आर से पांचवें नंबर पे है ना वो गिन लो, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा खत्म। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये यूपी बीएड में पूछा गया है, यूपी बीएड का मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि भाई इन द अल्फाबेट विच लेटर इज टेन फ्रॉम राइट, यूपी बी एड 2013, टेंथ फ्रॉम राइट। राइट का मतलब राइट जैसे ही आए ना वैसे हमारी जो सुई है ना वो जेड पे अटक जानी चाहिए, लेफ्ट आए वैसे ही हमारी जो सुई है वो ए पे अटक जानी चाहिए। तो लिखेंगे फिर हम एक बार, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, टेंथ फ्रॉम राइट। ठीक है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, सिंपल सा सवाल है, क्यू क्यू विल बी द आंसर। ठीक है, टेंथ पोजिशन पे आया। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ सीरीज भी है, एक दो क्वेश्चन सीरीज का देख लेते हैं, थोड़ा मॉडरेट लेवल होता है वो। ठीक है, तो वो भी हम कर लेते हैं। देखे रखा है ए डी जी जे एम पी नेक्स्ट वॉट। ठीक है, अब देखो ए और डी, ए की पोजीशन क्या है? वन। डी की पोजीशन क्या है? फोर, यानी कि वन प्लस थ्री यानी कितना? थर्टीन हो गया। ठीक है, जी जे देखो, जी की पोजीशन क्या है हमें पता है, सात है। ठीक है, लेकिन किस तरह एडिशन हो रहा है? लास्ट वाला नंबर तीन जोड़ के सेवन, उसके बाद इस वाले नंबर को जोड़ के नेक्स्ट नंबर हम लोग बनाएंगे, सात और तीन दस, यानी कि सात और दस। जे की पोजीशन टेन होगी, जी की पोजीशन सेवन होगी। ठीक है, एम की पोजीशन एम और पी, तो देखो क्या आया, टेन आया होगा लास्ट में, तो टेन में क्या जोड़ना है? थ्री, थ्री का समेशन होगा थर्टीन, तो हमें पता है थर्टीन पोजीशन किसकी है? एम की, और जब थर्टीन में हम थ्री जोड़ेंगे
13 में 3 जोड़ेंगे 16, ये पोजीशन किसकी बनेगी, P की बनेगी, यानी कि 13 16, ठीक है। अब हमारा कहां से खत्म हो रहा है, 16 से, तो जो नेक्स्ट होगा ना, जो नेक्स्ट हमें प्राप्त होगा आगे वाला में फाइंड आउट करना, तो 16 में 3 जोड़ो कितना बना 19, 19 पोजीशन किसकी होगी, हम देख सकते हैं कि जोटी से निकालो या संरक्षक से निकालो, 6 12 18 24, आगे बाद क्या आएगा, एस आएगा, एस 19 में नंबर पे, ठीक है, और 19 में जोड़ो, 19 में फिर 3 जोड़ना है 22, यानी कि 22, तो 22 नंबर पे क्या आएगा, एक्स है तुम्हारा 24 नंबर पे, इससे पहले एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स बी डब्ल्यू एक्स, यानी कि 24 पे है ये, 23 पे है ये, 22 पे होगा, तो आंसर आएगा एस और डी। तो ये सीरीज पैटर्न होता है, ये थोड़े मॉडरेट लेवल सवाल होते हैं जो जनरली मैथ वगैरह यूपीएससी वगैरह में पूछे जाते हैं, तो हम इस लेवल तक नहीं जाएंगे। तो ये कुल मिला के आपकी जो अल्फाबेटिकल सीरीज थी, अल्फाबेटिकल रीजनिंग थी वो थी। तो आज की के साथ आपका जो आज का टॉपिक है रीजनिंग का, वो समाप्त होता है। अगले सेशन में हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और कुछ नए एग्जांपल्स के साथ, कुछ नए फैक्ट के साथ, कुछ नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।